टिंकर कैट की सीरीज में आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज हम देखेंगे कि जो फ्लैग सेंसर है वो किस तरह से काम करता है। तो हम पहले देख लेंगे फ्लैग सेंसर हमें मिलेगा कहाँ पर। अभी हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है फ्लैग सेंसर, तो आपको स्क्रॉल करना है ऊपर, यहाँ बेसिक जहाँ लिखा है वहाँ पर आपको ऑल पे क्लिक करना होगा पहले। उसके बाद फिर से आपको अगेन स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर लास्ट जो वीडियो में देखा था एम्बियंट लाइट सेंसर का, उसके बाद ही यहाँ पर आप देख रहे हो कि फ्लैग सेंसर यहाँ पर दिख रहा है हमें। हम पहले इसको क्लिक करके यहाँ पर लाते हैं और इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसका कोड भी बनाएंगे। तो हम पहले इसको देखेंगे तो ये स्ट्रिप्स छोटी छोटी सी बनी हुई है और यहाँ पर देखेंगे इस चीज़ के दो लेग हैं, टर्मिनल वन और टर्मिनल टू। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे अभी हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये बड़ी लेग है, यहाँ पर एक छोटी लेग दिख रही है, तो ये जो छोटी लेग है इसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे प्लस वोल्ट के साथ में, और जो ये बड़ी लेग दिख रही है इसको हम निगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। ये जो सेंसर है इसका काम ये होता है कि अगर इसको हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देते हैं और अगर उसमें कोई भी बेंड होता है, मतलब अगर वो थोड़ा सा भी मुड़ता है ऑब्जेक्ट, टर्न होता है, राउंड होता है, तो ये बता देगा कि वो ऑब्जेक्ट कितने एंगल पर राउंड हुआ है। ठीक है, तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो अगर हम अभी स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे ये बेंड हो रहा है और आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो एंगल दे रहा है अभी ये जीरो एंगल है और मैक्सिमम कितना बेंड हो सकता है 180 डिग्री। तो ये बेंड हो रहा है और वो हमें बता रहा है कि वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम इसको अब कोड के साथ में देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। उसके लिए अगर हमें कोड बनाना है, कोड के साथ इसको अटैच करना है, तो हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी आर्डिनो बोर्ड की। तो हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आर्डिनो को भी लेके आना पड़ेगा। हमने आर्डिनो को कॉल कर लिया, फ्लैग सेंसर यहाँ पर रखा हुआ है। हमने अभी जो दो लेग हैं उनके बारे में देखा कि कौन सी लेग से क्या कनेक्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ी वाली लेग है इस बड़ी वाली लेग को हम पॉजिटिव से, सॉरी छोटी वाली लेग को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे, हमें एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, हम रजिस्टर से कनेक्ट करेंगे। तो हमने एक रजिस्टर ले लिया और बड़ी लेग से कनेक्ट कर दिया। दूसरा है इसका जो टर्मिनल है रजिस्टर का, उसको हम 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं और इसमें डबल क्लिक करके एक नोड ऐड कर रहे हैं ताकि ये जो लाइन है वायर की वो सही से हम मैनेज कर पाए। हमारा एक कनेक्शन हो गया है। दूसरा कनेक्शन हम यहाँ से ग्राउंड का करने वाले हैं और ग्राउंड को हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से बड़ी वाली लेग पर कनेक्ट कर रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, ये जो नोड है इसको थोड़ा सा नीचे ला करके, राइट। अभी हमारे पास में इसका कनेक्शन हो गया, लेकिन कनेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो कनेक्शन पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो इसको कनेक्ट किया है वो ताकि ये एक्टिव हो जाए, इसको ग्राउंड भी दे दिया और 5 वोल्ट भी दे दिया, लेकिन ये जो बेंड हो रहा है इसकी वैल्यू ये कैसे बताएगा हमें। तो इसकी वैल्यू भी यहीं से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, तो जहाँ पर हमने रजिस्टर लगाया है 5 वोल्ट की सप्लाई दी है, तो उसी एंड से हमें एक वायर को कनेक्ट करना है और ये वायर हम थोड़ा सा तिरछा करके लाएंगे ताकि आपको दिखाई दे। और क्योंकि ये एनालॉग वैल्यू पास करेगा इसलिए एनालॉग की कोई भी पिन से हमें जोड़ना होगा, तो हमने इसको एनालॉग की पिन से अटैच कर दिया। अब हम थोड़ा सा वायर का कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट कि हम ये सर्किट इसकी थोड़ी सी अच्छी बना सकें। हमने ग्राउंड को ब्लैक से कनेक्ट कर दिया और 5 वोल्ट को रेड वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। जो हमारा आउटपुट था हमने ग्रीन को एज इट इज ही छोड़ दिया है, ध्यान रखिए एनालॉग A1 से हमने कनेक्ट किया हुआ है। चलते हैं, अब इसमें अगर कोई भी चेंजेस होता है स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए कनेक्शन हो गया है, चेंजेस तो हो रहे हैं बट ये एंगल भी बता रहा है, पर उस एंगल का यूज़ करके हम करेंगे क्या। तो पहले तो अभी हमें कोड बनाना होगा, तो हम चलते हैं कोड बनाते हैं। कोड भी क्लिक करना है आपको, थोड़ा सा साइड में रखेंगे ताकि आपको कोड भी दिखाई दे। और ये डिफ़ॉल्ट कोड को हम डस्टबिन में डालते हैं। ना सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना है और यहाँ पर जो भी वेरिएबल का नाम अपना रखना चाहो वो आप रख सकते हो। हमने फ्लैक्स नाम दे दिया है वेरिएबल का और जो पहला ब्लॉक हमें मिल रहा है उस ब्लॉक को हमने यहाँ पर उठा के यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब हम जो ये सेट जो कह रहा है, ये कह रहा है बताइए कि जो इसकी जो पिन है जो जिसपे आप डेटा रीड कर रहे हो वो कौन सी पिन है। तो हमारी A1 पिन है, हमने इसको यूज़ किया हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं, इनपुट में जाते हैं और ये रीड एनालॉग पिन की जो ब्लॉक है उसको कॉल करते हैं और यहाँ पर पिन नंबर A0 लिखा है, हमने कनेक्ट किया हुआ है A1 से, तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन करते हैं और इसको भी A1 कर देते हैं। अब जो भी वैल्यू इसके पास आएगी वो हमें दिखेगी कहाँ पे, तो हम सीरियल मॉनिटर पर देखना चाहते हैं तो ऐसे तो दिखेगी नहीं। कब दिखेगी, जब हम इसका जो ब्लॉक है सीरियल मॉनिटर का उसको ऐड करेंगे।
और यहाँ पर ये दिखाएगा क्या सीरियल मॉनिटर? अभी तो ये दिखाएगा, हमें ये थोड़ी देखना है, हमें तो देखना है कि इसमें फ्लेक्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या है। बस हमारा कोड रेडी हो गया, चलो इसको प्रैक्टिकल करते हैं। हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक कर दिया हमने, और जैसे ये रेडी हो गया, यहाँ नीचे आप देख रहे हो कि एक वैल्यू आने लगी सीरियल मॉनिटर में, एक वैल्यू आ रही है। सीरियल मॉनिटर यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरिएबल जो भी हमने बनाया था उसकी वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर रहा है। तो 990 वैल्यू आ रहा है। अभी एंगल कितना दिखा रहा है, 0। हम इसको थोड़ा सा बेंड करते हैं, देखिए वैल्यू में चेंजेस होंगे, वैल्यू बढ़ रही, वैल्यू 9 से 1000 पे जा रही है और बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे बढ़ रही है इसका एंगल भी बढ़ रहा है। ये वैल्यू देखिए कम हो रही है और इसका एंगल देखिए वो भी कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये इसका एंगल चेंज कर रहा है और इस जगह पर इसकी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो हम यहाँ पर मेरा जो सेंसर था वो ठीक से वर्क करने लगा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सेंसर की जो भी वैल्यू कम ज़्यादा आ रही है तो उसको हम यूज़ कर लें। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना है उसमें अगर ये एक एंगल से ज़्यादा बेंड हो जाता है तो हमें पता चल जाए कि वो उतने से ज़्यादा बेंड हो चुका है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, हम लगभग ये कितनी वैल्यू आ रही है, नहीं हम चाहते हैं अगर 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड हो जाए तो हमें कोई अलार्म मिल जाए या फिर हमें कोई इंडिकेशन मिल जाए। तो हम इसको एलईडी से भी कनेक्ट कर सकते हैं या किसी और से भी। तो हम सिंपल एलईडी से कनेक्ट करते हैं, नॉर्मल बिल्कुल सिंपल सा। तो हमें क्या करना है कि एलईडी भी चाहिए होगी, तो हमने स्टॉप सिमुलेशन पे क्लिक कर दिया और एलईडी को हम देखते हैं कहाँ पर है एलईडी, ये रही एलईडी, एलईडी को हमने यहाँ से अटैच कर दिया। एलईडी का भी सर्किट कंप्लीट करना होगा, तो एलईडी को भी हमें एक ग्राउंड पिन से अटैच करना होगा, और ये पिन हमारी ब्लैक पिन होगी, सॉरी वायर, और दूसरा वायर हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक कि 8 नंबर से हमने कनेक्ट कर दिया, आप किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हो, इन पिन में से किसी भी पिन पर कनेक्ट कर सकते हो। हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया येलो कलर। अब हम चाहते हैं कि अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड हो तो ये एलईडी जल जाए, तो हमें पता लग जाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एंगल है वो चेंज हो रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, सॉरी हम कोड में जाते हैं और कोड को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे एलईडी के लिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हम एक इंडिकेशन लगाते हैं, हम कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पर बोलेंगे एक कंडीशन हमें लेनी है, और इस कंडीशन में हम ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर भी यूज़ करने वाले हैं। हमने इस ऑपरेटर को यहाँ रखा, इसमें दो वैल्यू यूज़ हो रही हैं। पहली वैल्यू में हम वेरिएबल लेते हैं जहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज हो रही है वो यहाँ पर आ रही है, और हम इससे कह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू यहाँ पर हम देख लें कि 90 डिग्री कहाँ पर है, 90 डिग्री में क्या वैल्यू चल रही है, तो हमें एक अंदाजा लग जाएगा। हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं, एंगल देखिएगा, उस एंगल पे वैल्यू हम देख लेंगे यहाँ पर। तो अभी 0 एंगल है और ये 90 डिग्री ये यहाँ पर कहीं पर है, ये 90 डिग्री में चल रहा है 1009। तो हम देख रहे हैं 1009, तो हमने स्टॉप कर दिया और यहाँ पर कह रहे हैं अगर इसकी वैल्यू 1009 या फिर 10 कर देते हैं, 1010 से कम है तो एलईडी नहीं जलेगी। तो एलईडी के लिए हम एक ब्लॉक लेके आएंगे ये, और एलईडी कनेक्ट हमने कर रखी है 8 नंबर से, तो यहाँ पर बताएंगे एलईडी हमारी 8 नंबर से कनेक्ट है, और बोलेंगे अगर ये इससे वैल्यू कम है तो एलईडी नहीं जलेगी, लेकिन अगर इससे वैल्यू ज़्यादा हुई तो क्या होगा, तो हम इससे कहेंगे कि एलईडी जलेगी। तो एलईडी अगेन हम 8 नंबर से कनेक्ट है, पिन नंबर सेलेक्ट किया और वैल्यू दे दी हाई, यहाँ पर लो वैल्यू दी थी। तो इस वैल्यू से अगर कम वैल्यू है तो क्या होगा, एलईडी नहीं जलेगी, इस वैल्यू से अगर ज़्यादा वैल्यू है एलईडी जल जाएगी। चलो देख लेते हैं, अभी हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं और इसको बेंड करना स्टार्ट करते हैं, अभी नहीं थोड़ा सा वेट, यस अब रेडी है। तो हमने बेंड करना स्टार्ट कर दिया, आप देखिएगा एंगल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एंगल बढ़ा बढ़ा 87 तक आ गया और ये 90 क्रॉस कर गया, अभी एलईडी जल गई। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो गया है, हमारा ये बेंड सेंसर काम कर रहा है। तो 99 अगर थोड़ी सी वैल्यू कम करते हैं एलईडी नहीं जल रही है, अगर उस एंगल से ज़्यादा होता है, आप इधर देखिए 1010 की वैल्यू चल रही है इस जगह पर ये, तो ये वैल्यू भी आप देखिए हमने वही वैल्यू सेट कर रखी, तो 1010 पे एलईडी जल गई है, ठीक है। अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा होती है एलईडी जल जाती है। तो इस तरह से ये बेंड सेंसर हमारा काम कर रहा है, आप लोग इसका प्रैक्टिकल करना। हम अगले वीडियो में एक नए कोड के साथ, एक नए कंपोनेंट के साथ आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करना और शेयर करना।
थैंक यू।